तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी, बॉलीवुड के एक्शन हीरो, कॉमेडी किंग अक्षय कुमार की एक और अपकमिंग मूवी का टाइटल सामने आ चुका है। जी हां, साथ ही फिल्म को लेकर कई सारी डिटेल सामने आ चुकी है। रोहित शेट्टी, अक्षय कुमार और मोहित सुरू की अगली फिल्म का नाम साइको होने वाला है। इस फिल्म की शूटिंग साल 2024 में शुरू से अंत तक शेड्यूल के साथ पूरी होगी। यह बताया गया था कि अक्षय कुमार और मोहित सुरू पहली बार रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित एक एक्शन थ्रिलर पर काम कर रहे हैं। बाद में रोहित सुरू ने अपने इंस्टाग्राम पर इसकी पुष्टि की। बॉलीवुड हंगामा के करीबी सूत्र के मुताबिक फिल्म 2024 में फ्लोर पर जाएगी और यह एक ऐसी एक्शन थ्रिलर होगी जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। जी हां, अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए एक और धमाकेदार एक्शन मूवी ला रहे हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म का नाम साइको रखा गया है, जिसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है। सूर्यवंशी की सफलता के बाद अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी दोनों इसे लेकर काफी उत्साहित है। वही रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन भी इस समय काफी चर्चा में है। एक तरफ सिंघम के प्रशंसक इसे लेकर काफी उत्सुक है, वही रोहित के लिए यह भी एक महत्वाकांक्षी फिल्म है। सिंघम अगेन में सितारों की फौज नजर आने वाली है। अजय देवगन इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम के रूप में नजर आएगी। वही फिल्म में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का कैमियो होगा। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के शामिल होने की भी खबरें हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की शुरुआत अजय देवगन के साथ साल 2011 में आई सिंघम से हुई। वैसे दोस्तों, आप अक्षय कुमार की इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना।